11 फीट का तो मूर्ति होगा और पीछे बैकग्राउंड लेकर लगभग 12-13 फीट का मूर्ति है दोस्तों। आप देख सकते हैं, हम आपको एक बारीकी से पास में ले जाकर दिखाते हैं। बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं गणेश भगवान। वेलकम बैक माई न्यू वीडियो दोस्तों। सो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में मैं जा रहा हूँ दोस्तों उदय में है बहुत सुंदर मूर्तिकार भैया मुकेश सोनी जी, उनके पास हम जा रहे हैं गणेश जी का वीडियो बनाने। तो दोस्तों आज हम वहाँ का वीडियो बनाएंगे और ये जी इस बार काफी बड़े बड़े गणेश जी की मूर्तियाँ बना रहे हैं और ज्यादातर तो भैया जी के पास पर माता जी की मूर्ति ऑर्डर है। तो देखेंगे कि कितना गणेश जी का मूर्ति बना रहे हैं और कितना माता जी का, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और शायद आज हरेली है तो दोस्तों आप सभी को हरेली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और हरेली की वजह से दोस्तों छुट्टी तो होगा, इस वजह से ना शायद ये लोगों से बात ना हो पाए, लेकिन हम पता करेंगे कि ऑर्डर ले रहे हैं कि नहीं और हो सके तो मूर्तियाँ कहाँ जाएंगी इसके बारे में कुछ पता चल रहेगा तो बताएंगे, नहीं तो हम नॉर्मल छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो रहेगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आएंगे तो ये वीडियो दोस्तों आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, एक दो दिन के बाद आएंगे, इसलिए सीधा भैया जी के यहाँ लेकर वीडियो दिखाते हैं। यहाँ जाकर सीधा मूर्ति केंद्र जाकर हम आपको मूर्तियाँ दिखलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, भैया जी के गोडाउन के पास हम आ गए और आपको दिखलाते हैं मूर्तियाँ। दोस्तों इस बार लगता है भैया जी के पास गणेश जी से ज्यादा माता जी का आया है। अब देख सकते हैं इस साइड भी है माता जी का मूर्तियाँ। तो स्ट्रक्चर बंद कर रेडी हो चुके हैं, हम पहले आप सभी को यहीं दिखलाते हैं। ये देख सकते हैं माता जी का स्ट्रक्चर बनने स्टार्ट हो गए हैं, ये शायद सरस्वती माता होगा। ये देख सकते हैं आप स्ट्रक्चर है, ऐसी छोटे छोटे मूर्तियाँ 7-8 फीट का दोस्तों बहुत सारे हैं, 5-7 फीट का दोस्तों। हम पीछे पीछे बड़ा बड़ा भी मूर्तियां हैं, उनको भी दिखलाते हैं दोस्तों। हम भैया जी के पास इस बार माता जी का ज्यादा मूर्ति, तो अभी हम स्ट्रक्चर दिखा देते हैं, जब बनेंगे तो हम और आएंगे। दोस्तों इसमें मिट्टी का वर्क हो चुका है, एक ये भी उसमें भी मिट्टी का वर्क हो चुका है और एक ये दोस्तों दो सींह वाले होंगे शायद, इसमें भी मिट्टी का वर्क आधा हो चुका है। और गोडाउन है, हम कुछ टाइम बाद वहाँ पर भी दिखाएंगे हम थोड़ा से, वैसे तो ढका हुआ है लेकिन हम आपको दिखाएंगे। चलिए अब हम गणपति बप्पा के बात करते हैं, गणेश जी के। देख सकते हैं भैया जी बहुत बड़ा भव्य गणेश जी का मूर्ति बना रहे हैं, आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत बड़ा है ये। फ्रेंड्स यहाँ के सबसे बड़ी मूर्ति फिलहाल ऐसी हम दिखाएंगे आपको, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। आपको दिखाते हैं हम गणपति बप्पा का, देखे कितने सारे अवतार हैं जिन्हें अलग अलग रूपों में दिखाए गए हैं बैकग्राउंड के द्वारा, आप देख सकते हैं। ऐसी इस बार भी हैं, देख सकते हैं आप ऊपर से अलग अलग रूपों में दर्शाए गए हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। ये देखो अनेकों रूप में गणपति बप्पा बैकग्राउंड दिए गए हैं इनका। दोस्तों मूर्ति कहाँ जाएंगी इनके बारे में तो हम नहीं पूछे हैं और पता करने की कोशिश करेंगे, और कुछ कुछ मूर्तियाँ पता होगा तो हम आपको बता देंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक और मूर्तियाँ दिखला दें हम आपको गणेश जी का, जिसमें अभी मिट्टी का वर्क हुआ है। ये देख सकते हैं दोस्तों एक गणेश जी की मूर्ति, अभी बड़ा है दोस्तों, ये तक लगभग 10 फीट का मूर्ति दोस्तों, और पीछे बैकग्राउंड भी भर रहा है, जब बनेंगे तो हम आ आएंगे तो आपको दिखाएंगे। आप देख सकते हैं अभी बहुत मस्त बन रहा है मूर्ति, और नीचे में भी कुछ डिजाइने स्ट्रक्चर वगैरह बने रहे हैं, डिजाइने वगैरह बनेंगे, अभी तो खाली मिट्टी का ही वर्क हुआ है। ये एक बहुत बड़ा माता रानी है, देख सकते हैं ये लगभग 14-15 फीट गए, जो खाली अभी स्ट्रक्चर बना हुआ है। सो फ्रेंड्स, गणेश चतुर्थी के बाद नवरात्रि के लिए दोस्तों ज़्यादा दिन नहीं बचा रहता है, इस वजह से दोस्तों माता जी मूर्ति का भी काम शुरू कर देते हैं भैया लोग। और दोस्तों लगभग 15 से 20 दिनों का ही टाइम रहता है गणेश चतुर्थी के बाद नवरात्रि आने में, इस वजह से दोस्तों स्ट्रक्चर वगैरह बना कर रख देते हैं, जस्ट गणेश जी जाएंगे और माता जी पर वर्क शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इस वजह से
हम आपको दोनों ही मूर्ति दिखा दे रहे हैं साथ में, और ये वहाँ फर्स्ट वाले गोडाउन में चलते हैं इसके बाद। तो चलिए दोस्तों, अब हम वहाँ मिलते हैं। भैया जी का वहाँ भी मूर्तियाँ रखा हुआ है, लगभग 7-8 फीट की मूर्तियाँ वहाँ पर भी है बहुत सारे। तो अभी वो ना त्रिपाल से ढक दिए गए हैं, हम आपको जब वो बाहर निकलेंगे तब हम आपको दिखा देंगे। और ऐसे भी हम गणेश जी का मूर्ति का वीडियो बनाने आए थे, और माता रानी की मूर्तियों का दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता, इसके लिए हम अलग से आएंगे वीडियो बनाने के लिए, और आप सभी को प्रॉपर माता रानी का ही वीडियो दिखाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं उनके फर्स्ट गोडाउन में। अभी हम आगे भैया जी के फर्स्ट वाले गोडाउन में, और आपको पहले उनकी ये पोस्टर दिखला देते हैं। देख सकते हैं भैया जी का पोस्टर। दोस्तों कुछ कुछ मूर्तियाँ रखे हुए हैं, देख सकते हैं आप, एक माता जी और रिद्धि वाली और गणेश जी जो डांस कर रहे हैं ऐसे कुछ फॉर्म में है। जब कलर होगा दोस्तों बहुत अच्छे लगेंगे। और साथ में एक और गणेश जी हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप, जो हाथ में क्या कर रहे पत्थर में से राशि आसन बैठे हुए हैं। गद्दी बहुत सुंदर लग रहे हैं, हम इस शरीर से दिखाते हैं उनकी गड्डी, देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत सुंदर लग रहे हैं। और एक यहाँ पर भी एक गणेश जी बन रहे हैं, लगभग 6 फीट का होगा दोस्तों ये वाला गणेश जी। अभी सिर्फ मिट्टी का ही वर्क हुआ है, अभी इसमें काम बाकी है। तो चलिए दोस्तों हम अंदर चलते हैं और बाकी मूर्ति आपको दिखलाते हैं। देखते गाइस, अभी बहुत सारे मूर्ति खाली और बनने को हैं, तो स्ट्रक्चर वगैरह बना रहे हैं, और देख सकते हैं अभी बहुत सारी मूर्तियाँ और बनना बाकी हुई हैं। ये देख सके दोस्तों गणेश जी शायद ढका हुआ, अच्छे से तो नहीं दिख रहे, हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं आप, अभी मिट्टी का वर्क ही हुआ है यहाँ पर भैया जी के पास, अभी चूना व्हाइट सीमेंट वाले काम तो नहीं हुए हैं। देख सकते हैं ये वाले कौन से अवतार में है, क्या बन रहा है तो समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, अगर भैया रहते तो पूछते। और यहाँ पर कोई फोटो वगैरह भी नहीं है जिनसे हमको पता चले। और देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर माता रानी का मूर्ति बहुत बड़ा, देख सकते हैं फिनिशिंग बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं दोस्तों, जब ये कलर होगा तो और बहुत ही यूनिक लगेंगे। तो दोस्तों जब होगा तो हम और आएंगे इनके बाद गणेश चतुर्थी के बाद वहाँ का वीडियो बनाने। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं छोटे छोटे गणेश भगवान के। और एक ये है जिनका अभी बहुत सारे मूर्ति ऐसे दोस्तों जिनका अभी शेर नहीं बने हुए हैं। और एक ये है दोस्तों यूनिक वाला गणेश जी, हम आपको दिखाते हैं, बहुत सुंदर है, देख सकते हैं आप। देख सकते दोस्तों बहुत सुंदर गणेश जी शिवलिंग में है, कुछ शिवलिंग का ही डिजाइन दिया गया है गणेश जी का, कुछ देख सकते हैं आप, बहुत यूनिक है, मैं आप यूनिक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको और बाकी हम मूर्ति दिखाते हैं। और एक ये है दोस्तों माता रानी का, शायद पीछे पंचमुखी वाले हनुमान जी बनेंगे, और माता रानी का वर्क तो अभी बचा हुआ है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं इस साइड भी, इस साइड दोस्तों पूरा माता रानी का ही स्ट्रक्चर बना हुआ है, ज़्यादातर माता रानी का इस बार ऑर्डर हुआ है लगता है भैया जी के पास। गणेश जी का वर्क तो बचा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे गणेश जी है जिनका सिर वगैरह बना नहीं।
तो दोस्तों, सो फ्रेंड्स, हम आप सभी को मूर्तियाँ दिखा दिए हैं। दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादातर मूर्तियाँ इस बार माता रानी की हैं, गणेश जी की मूर्ति कम है। और साथ भैया जी रहते तो बात करते, हम बताते कि और मूर्तियाँ हैं कि ऑर्डर चल रहा है कि नहीं। हम नेक्स्ट बार आएंगे तो आपको बताएंगे, और शायद हमें पता चले तो हम शायद ऑर्डर वगैरह ले रहे होंगे। एक बार पता करके हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मूर्तियाँ भी बुकिंग तो ले रहे हैं आप सभी लोग। अगर मूर्तियाँ बुकिंग करना होगा तो आप आकर देख लेना, और मैं पता कर लिया हूँ कि मूर्तियाँ भी बुक लिए हैं और दो चार मूर्तियाँ भी खाली भी है। तो आप यहाँ का मूर्ति पसंद आए तो आप बता देंगे, आप आकर एक बार देख लीजिएगा।